नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और चार लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। नैतिक शिक्षा, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।